की टक्कर में दोपहिया सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हुई और परिसर के नागरिकों का गुस्सा फूटा उस ट्रक पर। नागरिकों ने ट्रक को आग लगा दी। आइए जानते हैं पूरा मामला। सूरजगढ़ के कच्चे माल के ढुलाई करने वाले ट्रकों के कारण हुए हादसे का सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों सूरजगढ़ से लौह खनिज ले जा रहे एक ट्रक ने शाम के दौरान आष्टी आलापल्ली रोड पर एक दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें दुपहिया पर सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति घायल होने की दुर्घटना घटी। मृतक महिला यह सुभाष जयदार की पत्नी बिजोली निवासी जीवित बताई जा रही है। हादसा होते ही घटनास्थल से ट्रक चालक फरार हो गया और घटना की सूचना जैसे ही क्षेत्र के नागरिकों को मिली, आक्रोशित नागरिक घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटना का कारण सूरजगढ़ से माल ले जा रहे ट्रकों को बताया। गुस्साए नागरिकों ने ट्रक में आग लगा दी। साथ ही अब कितने नागरिकों के मरने के इंतजार में है प्रशासन, ऐसा सवाल क्षेत्र के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंचकर घटनास्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जाने की पुलिस विभाग द्वारा जानकारी दी गई। सिटी केबल समाचार के लिए गढ़चिरौली से भास्कर फरकड़े की रिपोर्ट।